हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और इस वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कहीं ना कहीं अभी के प्रेजेंट टाइम पे जो छत्तीसगढ़ पे जो माहौल है, तो ये कहीं ना कहीं एक फिर से इशू बनकर आया है। और ना केवल छत्तीसगढ़ पे, ये इंडिया के सिक्योरिटी चैलेंज के लिए जो हम लोग देखते हैं, दो तरह से सिक्योरिटी चैलेंज, एक होता है इंटरनल एंड अदर वन इज एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंज। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज का सबसे बड़ा चैलेंज, जिसको 2006 में प्राइम मिनिस्टर जब उस समय थे मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह ने जिसे इंडिया के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज बताया था इंटरनल सिक्योरिटी का, वो टॉपिक है आपका नक्सलिज्म। तो नक्सलिज्म, इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे कि ये नक्सल क्या है, और नक्सल से रिलेटेड जितने भी अभी तक इवेंट्स हुए हैं उनका बेस क्या रहा है, किस तरह से नक्सल इंडिया पे नहीं बाकी पूरे वर्ल्ड पे नक्सलिज्म को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं नक्सलिज्म, और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मेनली नक्सलिज्म को हम किस किस एंगल से समझेंगे पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो नक्सलवाद को सबसे पहले हम लोग समझेंगे उसके आइडियोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, कि उनकी विचारधारा क्या है। तो वो हम लोग देखेंगे नक्सलियों की विचारधाराओं से स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ना, आइडियोलॉजी, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले इनके आइडियोलॉजी पे चलेंगे और आइडियोलॉजी पे समझेंगे कि नक्सलिज्म किस तरह से बर्थ होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे नहीं, वर्ल्ड लेवल पे चलेंगे। और इसी आइडियोलॉजी के साथ दो तीन वर्ड हैं, इन वर्ड्स को भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है, वो सारा का सारा देखते हुए। इस आइडियोलॉजी को समझते हुए कहीं ना कहीं इस नक्सलिज्म की, जो भी आपका नक्सलवाद होता है, ये किस तरह से वो अपने आप को एक ग्रुप के रूप में सामने लाते हैं, किस तरह से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं, किस तरह से नक्सलवाद को आगे बढ़ाते हैं, उसको हम समझेंगे फेसेस पे, कि किस तरह से नक्सली अपने आप को, पांच फेसेस हैं टोटल, उन फेसेस के हिसाब से कैसे वो नक्सलवाद को शुरू करते हुए उस पूरे क्षेत्र को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, पूरे के पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिससे इस नक्सलिज्म को वो क्या कर सकते हैं, आगे प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये दोनों चीज पे हम लोग ध्यान रखेंगे, इन दोनों को समझते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आइडियोलॉजी और जो फेसेस पे जो चीजें उनको सिखाई जाती हैं, इसको ही ये क्या करेंगे, हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो फेसेस के बाद हम लोग चलेंगे बात करने के लिए कि किस तरह से यही नक्सलिज्म भारत पे कैसे स्टार्ट हुआ। तो एवोल्यूशन और द ओरिजिन ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया, ओरिजिन और द एवोल्यूशन ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया, ठीक है। इंडिया पे इस नक्सलिज्म का कैसे ओरिजिन हुआ है, किस तरह से इवॉल्व हुआ है, और नक्सलिज्म का क्या प्रेजेंट स्टेटस है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग सारे के सारे चीज देखेंगे, ठीक है। टोटल इसके थ्री फेसेस में हम देखेंगे कि नक्सलिज्म इंडिया पे किस रूप में आया, ठीक है। तो इनिशियली अगर देखेंगे तो 1967, ठीक है, 1967 से लेकर 1975 जब आपका इमरजेंसी आ रहा है, इस टाइम के समय जो नक्सलिज्म स्टार्ट हुआ था, वही नक्सलिज्म 1975 से 2004 तक किस तरह से इनका ग्रोथ हुआ, कैसे उन्होंने अपनी पकड़ बनाई, और 2004 से लेकर वर्तमान 2021 पे इस नक्सलिज्म ना प्रेजेंट 2021 यही नक्सलिज्म कैसे एक बहुत बड़ा इंटरनल क्राइसिस बन गया है इंडिया पे, इसकी कहानी भी हम लोग आज इस पे देखेंगे, ठीक है। तो 67 टू 75, 75 से 2004 और 2004 से 2021 तक ये नक्सलिज्म किस तरह से जन्मा। पर ऐसे ही कहीं पर भी नक्सलिज्म चालू नहीं हो जाएगा, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है, ये तो हम मान रहे हैं कि हाँ किसी की आइडियोलॉजी, उनकी एक विचारधारा है, उस विचारधाराओं पे वो चल रहे हैं, पर वो विचारधारा बनी क्यों और भारत में बनने का क्या कारण था वो वैसी विचारधारा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे फैक्टर्स देखेंगे कि वो कौन कौन से रीजंस हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण नक्सलिज्म इंडिया पे और ऐसा छत्तीसगढ़ के रीजन पे भी आया। हम मेजर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की एक केस स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मेजर फैक्टर्स ऑफ रीजन, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही अभी क्या है, इसका एक नया एपिसेंटर है। इसका सबसे पहला एपिसेंटर क्या था, नक्सलबाड़ी वेस्ट बंगाल पे, वो मेन केंद्र बना था वहां से, लेकिन अब धीरे धीरे एपिसेंटर शिफ्ट हुआ और कहां पहुंच चुका है, दंडकारण्य, और उसमें भी सबसे स्पेशली छत्तीसगढ़ पे। तो उस चीज को देखेंगे, फैक्टर और रीजन क्या रहे हैं इनके पीछे, ठीक है। इसके साथ साथ चलेंगे कि इस नक्सलिज्म को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है, गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या काम किया है, ठीक है। तो कंट्रोल मेजर्स के बारे में भी बात करेंगे नक्सलिज्म के लिए, ठीक है। और इस कंट्रोल मेजर्स को देखते हुए हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस की,
जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस में एक था, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का एक मॉडल था, उस मॉडल का नाम था ऑपरेशन ग्रेहाउंड। आंध्र प्रदेश ने चालू किया था ऑपरेशन ग्रेहाउंड। इस ऑपरेशन ग्रेहाउंड को समझेंगे कि इसके थ्रू उन्होंने नक्सलिज्म को कैसे खत्म कर दिया आंध्र प्रदेश में। एक प्रकार से अभी भी है, ऐसा नहीं बोल सकते 100% खत्म कर दिया, पर उनका जो एक बेस था आंध्र प्रदेश, जो छत्तीसगढ़ की ओर शिफ्ट हो गया, वो बेस को उन्होंने किस तरह से ऑपरेशन ग्रेहाउंड से खत्म किया। साथ ही साथ बिहार के रीजन पे वहां पर भी आपके कुछ ऑपरेशन चले थे, वहां पर भी नक्सलिज्म को कम किया। तो उस मॉडल से हम क्या सीख सकते हैं, छत्तीसगढ़ उस मॉडल को देखते हुए अपने यहाँ पर क्या इंप्लीमेंट कर सकता है और किस तरह से हम नक्सलिज्म को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, एक आउटलाइन है कि हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस क्या करने वाले हैं। चालू करते हैं इस नक्सलिज्म से, और सबसे पहले हम उनके आइडियोलॉजिकल बेस और इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए ये टॉपिक अगर हम लोग देखेंगे नक्सलिज्म को, तो पिछले एक दो सालों से ये टॉपिक कहीं ना कहीं थोड़ा सा खो सा गया था, कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके कम आ रहे थे, यहाँ से आपको टॉपिक्स मिल नहीं रहे थे। बट अभी रिसेंटली अगर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा इवेंट हुआ, ठीक है, छत्तीसगढ़ का खासकर। तो एक इवेंट हुआ जहां पर लगभग आपके कहते हैं 22 पुलिस पर्सनल्स मारे गए, जिसमें से छत्तीसगढ़ स्टेट पुलिस के छत्तीसगढ़ जवान थे, 7 आपके कोबरा यूनिट के कमांडर्स थे, और सीआरपीएफ के लगभग 14 जवान थे उसमें। तो ये कुछ जवानों की हत्या हो गई, उसमें से एक को उन्होंने क्या किया था, कैप्चर भी कर लिया था, पकड़ कर भी ले गए थे। और उसके बाद कंटिन्यूसली 2-3 इवेंट देखने को मिले हैं जहां पर नक्सल अटैक स्पेशली इन द रीजन ऑफ कांकेर एंड बस्तर वो वहां पर देखने को मिला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी की क्राइसिस फिर से नक्सलिज्म की ओर से, और बहुत सारे रिलेटेड इवेंट्स भी थे जिसके कारण नक्सलिज्म को इस बार पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नक्सलिज्म, ठीक है, नक्सलवाद को सबसे पहले समझने के लिए एक छोटी सी लड़ाई को समझना होगा जो पूरे के पूरे इतिहास में एक लड़ाई बनी हुई थी। एंटायर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, जब से इंसान जन्मा है से लेकर अभी तक, अगर हम लोग देखेंगे धीरे धीरे अपने हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री में दो चीज़ों की लड़ाई हमेशा थी, दो लोगों के बीच हमेशा एक लड़ाई थी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एलाइड ग्रुप। एलाइड ग्रुप मतलब जिनके पास पैसे, ठीक है, ये कौन है, ये वो ग्रुप है जो मास ऑफ प्रोडक्शन, जो भी आप चीज़ों को उगाते हैं या कोई भी जगह है उस क्षेत्र का, ये क्या करते हैं, इसको ऑक्यूपाई करते हैं, ये उस जगह पे सारे के सारे चीज़ों को ऑक्यूपाई करते हैं, ये कैपिटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या था, एक तरफ है आपके एलाइट ग्रुप्स, और दूसरे तरफ मतलब ऐसे लोग जिनके पास पैसे हैं, जो एक अच्छा ग्रुप है, एक वो है, और दूसरे तरफ आपके क्या थे, कृषक, पीजेंट, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं फार्मर और कृषक, जरूरी नहीं है फार्मर ही होंगे, लेकिन हाँ एक प्रकार से ये था। और इन दोनों के बीच शुरू से ही कहीं ना कहीं, पूरे की पूरी इतिहास खोल लीजिए, चाहे इंडिया की देख लीजिए, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, कहीं ना कहीं पीजेंट और एलीट क्लास के बीच हमेशा एक लड़ाई रही है। ठीक है, तो ये इनसे अपने हक के लिए लड़ते थे, और ये क्या कर रहे थे, ये इनको एक्सप्लॉइट करते थे, इनका हनन करते थे, तभी तो उस जगह को पे कंट्रोल कर पाएंगे। कहीं भी कंट्रोल करना है तो इनको ये क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, ज़्यादा उससे क्या कोशिश करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले रहे और अपना बेनिफिट देखते थे, कभी भी इनकी बेनिफिट को कभी नहीं देखा गया, नज़रअंदाज किया गया, जिसके कारण इन्होंने क्या किया, समय दर समय कहीं ना कहीं कुछ लड़ाई की। तो एक इस तरह का जब माहौल बना कि एलीट ग्रुप और दूसरे ग्रुप बने, तो इस पर बहुत सारे अलग अलग हिस्टोरियन, फिलोसोफर्स, इन लोगों ने आकर अपने अपने विचार दिए कि ऐसा क्या किया जाए कि ये लोग भी क्या कर सकें, इस लोगों इन लोगों के साथ रह सकें। तो एक टर्म आया उस समय, एंगल्स, ENGLES, एंगल्स, ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया, इगैलिटेरियन सोसाइटी, मतलब सब में समानता हो। और इस समानता को स्टेब्लिश करने के लिए एक और फिलोसोफर आया, उनका नाम था कार्ल मार्क्स, और मार्क्स ने भी क्या बताया कि अगर इनको अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना होगा, इनको अपने हाथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और साथ ही साथ उस स्टेट को कंट्रोल करना होगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या था, ये जो आइडियोलॉजी की बात कर रही है, जो विचारधारा है, ये विचारधारा का जन्म होता है इन दोनों से, एक तरफ थे आपके एंगल और दूसरे तरफ थे मार्क्स। ठीक है, और इन दोनों ने क्या कहा, ये दोनों ने इस विचारधारा को आगे लेकर चला,
कि इस एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए और ये चीजें खत्म हो, इसके लिए क्या करना होगा, इनके हाथ में पावर आना जरूरी है। इस ग्रुप के हाथ में क्या होना चाहिए, पावर आना चाहिए, ठीक है। अब वो पावर को वो कैसे गेन करेंगे, उसके लिए अलग अलग तरीके थे। मार्क्स ने बोला कि हाँ आपको क्या करना होगा, एक रेडिकल इवेंट की तरह आपको रेडिकल होकर कहीं ना कहीं कार्य करना होगा। तो धीरे धीरे काम चल रहा था, ठीक है। पर इन दोनों की इस विचारधाराओं को और इस लड़ाई को एक नया रंग मिला, स्पेशली इनको सपोर्ट किया गया रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे, और रशिया के जो लीडर्स थे उसका नाम क्या था, लेनिन। लेनिन ने भी इन विचारधाराओं को सपोर्ट किया कि हाँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, लोगों के हाथ में पहुंचाना चाहिए। लेकिन वहां पर क्या किया कि स्टेट जो बनेगा, जो जो उनको चलाएगा लोगों को, वो स्टेट ही सब कुछ करेगा लोगों के हित में, अ काइंड ऑफ कम्युनिज्म। तो लेनिन, और यहां पर से क्या होता है, एक तरह से कम्युनलवाद, साम्यवाद को बढ़ावा दिया गया, समझ आ रहा है। तो साम्यवाद को कहीं ना कहीं यहां से बढ़ावा मिला लेनिन से। इसके बाद यही चीज आगे और विकृत रूप में देखने को मिला, क्योंकि देखो अभी हमको पढ़ना है नक्सल, तो बस इसका बेस को आपको पता होना चाहिए। इसके आगे जाएंगे तो आपका कौन आए थे, एक आदमी आया उसका नाम था माओ जेडोंग। ये चाइना का रिवोल्यूशनरिस्ट, ठीक है, और चाइना के सबसे, अभी अगर जिंगपिंग को हटा दें तो इसके पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट यही थे, ठीक है, माओ जेडोंग। माओ जेडोंग ने बोला कि इसका और इसका जो लड़ाई का जो सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन दिखता है यहां पे, कि इन लोगों को अगर अपना प्रॉब्लम खत्म करना है, इफ दोज ग्रुप्स वांट टू रिजॉल्व सॉल्व देयर प्रॉब्लम, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा, रिवॉल्यूशन करना होगा, रिवोल्ट करना होगा। और इस रेवोल्यूशन में जब आप इस तरह से रेवोल्यूशन करेंगे, तब आपको यह नहीं सोचना है, यहां पर गांधीवाद की बात नहीं हो रही है, यहां पर क्या है, इस रेवोल्यूशन को अगर करना है तो आप क्या कर सकते हो, वायलेंट मीन, मतलब हिंसा को भी आप अपना सकते हैं। तो रेवोल्यूशन बाय वायलेंट मीन, मतलब इसमें हथियार और ये चीजें उठाने की बात कही किसने, माओ ज़ेडोंग। और यहीं से कहीं ना कहीं एक विचारधारा जन्मा जिसको बोलते हैं माओइज्म। यहीं से क्या जन्मा, माओइज्म। तो माओइज्म एक डॉक्ट्राइन है, एक प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल को ही एक आइडियोलॉजी बनाई गई, उसी प्रिंसिपल को लेकर ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसको बोलते हैं क्या, माओ ज़ेडोंग के द्वारा दिया, इसीलिए उसका नाम भी पड़ा माओइज्म। तो यही नक्सलिज्म, इसी नक्सलिज्म को जो हम लोग नक्सलवाद बोल रहे हैं, इसको अगर हम लोग विश्व में देखेंगे, वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में इसको क्या बोला जाता है, माओइज्म, ठीक है। एक और नाम से जानते हैं इसको, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग, वामपंथ, ठीक है, इसी में क्या बोलते हैं इसको, माओइज्म भी बोलते हैं। और भारत में इसी चीज को क्या बोला गया है, नक्सलिज्म। हाँ, नाम क्यों पड़ा, वो नक्सलवाड़ी में प्रारंभ हुआ इसलिए उसका नाम नक्सलिज्म पड़ा, ठीक है। पर हाँ, ये चीजें क्या है, एक ही चीज है, माओइज्म, नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो कहीं ना कहीं लोगों को अपने, जो उनको देखो इसमें अभी विचारधारा है कि अगर आपको अपने हक को पाना है तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना होगा, वायलेंट मीन को अपनाना होगा, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, वायलेंट अटैक। तो वेपन्स इनमें क्या है, एक्सेप्टेड है कि हाँ आपको हथियार लेकर ही कहीं ना कहीं अपने रिवोल्यूशन को आगे चलाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए वो स्ट्रेटेजी बताते हैं कि ये वायलेंट मीन से आप कैसे, किस तरह से मानोगे। तो वायलेंट मीन मतलब अगर आपको क्या करना है, इस जगह पे पहुंचना है, इस चीजों को जीतना है, तो आपका ये जो वायलेंट मीन है, जो आप उग्रवाद कर रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहला चीज क्या बोला गया, इंसर्जेंट और आर्म रिबेलियन, इंसर्जेंसी, आर्म रिबेलियन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आर्म रिबेलियन, बंदूक उठाना है, और इंसर्जेंसी मतलब कहीं ना कहीं जहां पर भी आपको ऐसा लगता है वहां पर जाके आपको क्या करना है, अटैक करना है। इसके साथ साथ लोगों को एकत्रित करना है, अपनी विचारधाराओं से जोड़ना है, मतलब मास मोबिलाइजेशन, ताकि क्या हो, आपका मूवमेंट वीक ना पड़े, जो आप लड़ रहे हो उस लड़ाई पे आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को सम्मिलित करना है। तो मास मोबिलाइजेशन, इंसर्जेंसी करनी है, ठीक है। और इसके तरह आप ये चीज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, अपने हित की, अपने आप के लिए एक लड़ाई लड़नी है, जिसको बोलते हैं ये प्रोटेक्टरेट वॉर, अपने को बचाने के लिए क्या करना है, जंग लड़ना है, ताकि हम क्या कर सकें, अपना खुद का एक स्टेटहुड पा सकें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से क्या हुआ, इस विचारधारा को लेकर स्टार्ट हुआ माओइज्म वर्ल्ड पे, ठीक है। और यही माओइज्म
जो ये चीज़ें दिख रही हैं, यही माओइज्म धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत जगह पे फैला। एक बहुत बड़ा अच्छा समय था अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टाइम बात करें तो, एक टाइम हुआ जिसको बोलते हैं आपका सीट युद्ध, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में अफ्रीकन देश जो छोटे छोटे थे, जो कि सारे के सारे क्या थे, किसी न किसी कंट्री की कॉलोनी थी, उनकी आज़ादी के लिए ये माओइज्म बहुत काम आया था। हमने नेम भी यूज़ किया नॉन अलाइनमेंट भारत की तरफ से, वो और माओइज्म दोनों ही काम आया था वहाँ पर, ठीक है। तो धीरे धीरे ये विचारधारा का क्या हो रही थी, फैलने लगी, और यही विचारधारा जो माओइज्म की फैली, और माओइज्म का विचारधारा क्या था, इनकी डॉक्ट्राइन क्या थी कि देखो, उनका एक चीज़ कहना ये होता है कि जो स्टेट है, स्टेट मतलब जो आपका सरकार है, ठीक है, स्टेट जो भी है, और साथ ही साथ जो आपका सोशल ऑर्डर है, सामाजिक तंत्र जो है, ये क्या है, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी बेस्ड है। द स्टेट एंड द सोशल ऑर्डर इज बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव करता है, और टू कम आउट ऑफ दोज डिस्क्रिमिनेशन, उस डिस्क्रिमिनेशन से बाहर आने के लिए वी शुड गो फॉर द रेवोल्यूशन, हमको क्या करना होगा, विद्रोह करना पड़ेगा, एंड दैट रिवोल्यूशन शुड बी इन्वॉल्व, शुड इंक्लूड, और उस विद्रोह में हमारे क्या इंक्लूड करना होगा, आर्म्ड रिबेलियन, बंदूक और ये सारी चीज़ आने होंगे, लोगों को एकत्रित करना होगा, मास मोबिलाइजेशन, ठीक है, और कहीं ना कहीं हमको क्या करना होगा, अपने हित के लिए प्रोटेक्टरेट वॉर करना होगा, जिसको बोलते हैं कंप्लीट थ्योरी में माओइज्म, ठीक है। तो उस माओइज्म क्या हुआ, धीरे धीरे जहां पर भी ये प्रॉब्लम आया, लैंड राइट्स के, जमीन की हक की लड़ाई, तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, हर जगह पे फैलता गया। और इंडिया पे अगर देखेंगे इसी माओइज्म का एवोल्यूशन को इंडिया पे, तो कहीं ना कहीं 1967 के आसपास इसका स्टार्ट होता है। पर उससे पहले समझते हैं कि देखो 1967 इंडिया पे स्टार्ट होगा, वो तो हम स्टोरी पढ़ेंगे इंडिया पे, पर इसके पहले हम समझते हैं कि ये माओइज्म जो है, और ये जो आपका नक्सलिज्म बोल दो अब, ठीक है, समझ गए ना, वर्ड एक ही यूज हो रहा है, बस हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये जो नक्सलवाद है या माओवाद है, ये लोग अपने आप को किस तरह से किसी भी क्षेत्र में फैलाते हैं या बढ़ाते हैं, उस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो फेसेस ऑफ नक्सलिज्म, फेसेस ऑफ नक्सलिज्म, अब ये भारत में नहीं, हम ऐसे देखते हैं कि ये लोग अपना कहीं पर भी एस्टेब्लिशमेंट कैसे बनाते हैं, किसी भी क्षेत्र में नक्सलिज्म किस तरह से उसका विस्तार होता है, कैसे वो अपने जड़ रखते हैं, और जड़ के साथ साथ उस पूरे क्षेत्र कैसे वो विस्तृत होते हैं, उसको समझेंगे हम लोग फेसेस ऑफ नक्सलिज्म में, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कुछ इस तरह से, सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट फेज, ठीक है, तो फर्स्ट फेज को बोला जाता है प्रिपरेटरी फेज, जहां पर वो तैयारी करते हैं, क्लियर है। प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, जो भी नक्सल ग्रुप है, जो भी लीडर्स होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, वो पढ़ेंगे इंडिया पे कैसा हुआ, लेकिन हाँ, तो नक्सली सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो इनकी ग्रुपिंग्स होती है, वो क्या करते हैं प्रिपरेटरी फेज में, सबसे पहले किसी भी क्षेत्र को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, तो एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस क्षेत्र में विस्तार करना है, एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। उस एरिया को आइडेंटिफाई करने के बाद वहां पे रहने वाले कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को, जिनकी पकड़ हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज उनको खोजते हैं, और वहां पर रहने के बाद उस क्षेत्र की सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी समस्या है, उस समस्या को निकालते हैं। तो इंपॉर्टेंट इश्यूज, द इश्यूज ऑफ द एरिया, ठीक है, और इन तीनों के अराउंड वो क्या करते हैं, अपना प्रिपरेशन करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज लगती हैं कि हाँ ये चीज़ें कोई इनसे बात किया जा सकता है, उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को उठाते हैं उन लोगों के सामने, अपना संगठन ले जाकर कि हाँ देखिए ये सारे समस्या आपके साथ क्या, इसके खिलाफ आपको बोलना है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, एक प्रकार से उस एरिया में अपना एक प्रिपरेशन के रूप में क्या करते हैं, ये तीन चार काम को करते हैं, ठीक है। तो उस क्षेत्र को आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को, और वहाँ के इंपॉर्टेंट इशूज को। इसके बाद ये एक कदम आगे बढ़ते हैं और दूसरे फेज पे पहुंचते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव फेज, ठीक है। और पर्सपेक्टिव फेज में ये नक्सलिज्म क्या करते हैं, यही नक्सलवाद, ये जो नक्सली होते हैं, ये क्या करते हैं, इस फेज में जब पहुंचते हैं, जब उनको पता चल गया कि हाँ वो कौन सा क्षेत्र होगा जहां पर हम अपने आप को विस्तार करना है, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया वहां के लोगों को, वहां के इंपॉर्टेंट इश्यूज को पता कर लिया, तो इसके बाद क्या करते हैं, ये अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, इनके जो खुद के संगठन होते हैं, ये जिस भी एनजीओ से मिले होते हैं या कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन, छोटे छोटे इनके संगठन होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के मदद से ये क्या करते हैं, जो भी सरकार है
जैसे वहाँ पर क्या होगा, कलेक्ट्रेट ऑफिस होगा, कुछ होगा, तो उसके सामने क्या करेंगे, बैठ के धरना देने लगेंगे, सरकार के विरोध क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ देयर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन दे गो फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट। ऑन इशूज, ठीक है, कि हाँ किसको क्या प्रॉब्लम है उस इशूज पे क्या करते हैं, क्योंकि उनको पता है क्या इशूज है। अब उसके अगेंस्ट वो क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, तो लोगों को क्या होता है, विश्वास हो जाता है कि हाँ ये लोग क्या करेंगे, हमारा हित करेंगे। तो एक बार तो इशू समझे, फिर उसके अगेंस्ट लोग कुछ लोगों को लेकर वो डेमोन्स्ट्रेट किया और लोगों को मिलाते गए, तो कहीं ना कहीं लोगों का भी उनके ऊपर एक विश्वास आता है कि नहीं ये हमारे हक की बात कर रहे हैं। इसके बाद वो थर्ड और इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पर इशू करते हैं, जिसको बोलते हैं गुरिल्ला, गुरिल्ला वारफेयर, गुरिल्ला वारफेयर, ठीक है, गुरिल्ला वारफेयर। इसमें क्या होता है कि अब लोगों को उन्होंने एकत्रित कर लिया अपने साथ, अब लोगों को इंसाइट करते हैं कि हमको क्या करना है, देखो हमने तो मांगा, हमने तो प्रदर्शनी की लेकिन सरकार ने दिया नहीं, तो अब हमको क्या करना है, उनके अगेंस्ट लड़ाई करके हम अपने हक को लेंगे। तो गुरिल्ला वारफेयर, और यहां पर वो क्या करते हैं, स्टेज वायलेंट एक्शंस, ठीक है, लोगों को हथियार देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट या उस पर्टिकुलर जगह पे वो क्या करते हैं अपना एक वॉलेंट एक्शन, अपने आप को अनलीस कर देते हैं, बंदूक से क्या करते हैं अपने हक को मांगने के लिए चल जाते हैं। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं बहुत ही प्लान्ड वे में अपने आप को क्या करते हैं आगे लेकर चलते हैं। और जैसे ही उनका ये वॉलेंट एक्शन का काम पूरा होता है तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, अब ये लोग नक्सल तो बन चुके, उनका मत को बदल दिया गया, अब सरकार इनके अगेंस्ट है। तो कभी भी वो क्या बताएंगे हमेशा अपने ग्रुपिंग्स पे कि नहीं वो तंत्र गलत है और हम सही। अभी तो ये एक एस्टेब्लिशमेंट बन रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे उनका विस्तार होता है। रीजन को समझेंगे तो दोनों पक्ष की गलती होगी, वन वी टॉक अबाउट द रीजन, तो हाँ इस गवर्नमेंट की भी गलती होगी और इनकी भी गलती होगी, बट अभी समझना है कि वो अपने आप को कैसे विस्तार करते हैं। ठीक है, सो दे स्टार्ट विद द प्रिपरेटरी पर्सपेक्टिव एंड गुरिल्ला वारफेयर। आफ्टर गुरिल्ला वारफेयर ये अपना कहाँ जाते हैं, चौथे स्टेज की ओर मूव करते हैं। ठीक है, और चौथे स्टेज को बोलते हैं बेस, बेस एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, गुरिल्ला वारफेयर किया, वहां पर आतंक फैल चुका है उस एरिया में, आपका नक्सलिज्म फैल चुका है, तो उस जगह पे आप कहीं ना कहीं क्या होगा, पुलिस एक्शन वो लेने की कोशिश करेंगे और उसी क्षेत्र में वो क्या करेंगे अपने संगठन को फैलाकर उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे अपना ऑक्यूपाई कर लेंगे। जैसे दंडकारण्य का क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में अब क्या होगा, एक बेस बन चुका है। कि अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी मुख्यतः हम क्या देखते हैं नक्सलियों का बेस कहाँ है और उस बेस के पढ़ते हैं, जिसको एपी सेंटर बोला जाता है। ठीक है, तो उस क्षेत्र को क्या करते हैं अपना बेस बना लेते हैं और उस बेस के आसपास अपने लोगों को खड़े कर देते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर नहीं आना है। ठीक है, तो क्या होता है बेस एस्टेब्लिशमेंट, और बेस एस्टेब्लिशमेंट के बाद नक्सल पांचवें क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं और उसको बोलते हैं लिबरेशन। लिबरेशन मतलब होता है, अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे तो मोक्ष। ठीक है, तो लिबरेशन मतलब कहीं ना कहीं आजादी। ठीक है, लिबरेशन, ये इंडिपेंडेंस वर्ड यूज नहीं कर रहे, यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं लिबरेशन, कि हमको अब क्या करना है, अब वो पूरे के पूरे नक्सल का जो तंत्र है, मतलब सॉरी जो आपका क्या है सरकारी तंत्र है, उसके बाहर आकर हम क्या करेंगे अपने हित के लिए खुद कानून बनाएंगे। ठीक है, तो उनका अपना एक पैरलर गवर्नमेंट वो चलाते हैं, वो जुडिशरी को नहीं मान रहे, वो अपने खुद के जन अदालत लगाते हैं और वहां के लोगों की सुनवाई वो खुद करते हैं, लोकल पंचायत को भंग करवाकर वो क्या करते हैं जन अदालत से वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये पूरा एक प्रोसेस है जिससे नक्सलिज्म अपने आप को एक क्षेत्र में कैसे करके कंट्रोल बनाता है। ठीक है, तो ये स्टेप्स है कि किस तरह से वो धीरे धीरे अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं और किसी भी क्षेत्र में ये अपने आप को एकत्रित करते हैं। ठीक है, ये बना गया, ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइज प्लान है। ऐसा नहीं है कि नक्सलिज्म जो सोच रहे बहुत वीक ग्रुप है, बहुत सारा न्यूज़ और मीडियाज में भी होता है, और साथ में जो एक स्पेशल सोशल मीडिया है वहाँ पर आता है कि आर्मी को भेज दो मिनट में खत्म कर देगी, क्यों भेज दो आर्मी को। अभी हम बात करेंगे शुड वी सेंड आर्मी देयर और नॉट, उसके ऊपर ही बात करेंगे, बहुत सेंसिटिव इशू है। ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि वो किस तरह से लोग क्या हो रहे हैं, नक्सली क्यों बन रहे। जब आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि कहाँ से हम उनको ठीक किया जा सकता है। ये स्टेज में ही अगर उनको दिक्कत ना दिखे तो बाकी क्या चालू होगा, पर ये क्या हम प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं इन कंट्री लाइक इंडिया, क्या वो ऐसा हो सकता है कि इंडिया में कोई इशू ना हो, यही तो इशू है मेन, जो फैक्टर्स बोल सकते हैं हम, पावर्टी, हंगर, भुखमरी हो रहा है वहाँ पर, लोग क्या कर रहे हैं गरीब है बहुत, हेल्थ इश्यूज हैं, उनको उनकी ज़मीन छीनी गई है,
तो जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं, वो अपने इश्यूज को लेकर जा रहे हैं, पर सरकारी तंत्र उस चीज़ों को, गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उस चीज़ों को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये क्या कर रहे हैं, वायलेंट एक्शन ले रहे हैं। अगर वो इग्नोर कर देते उस चीज़ को तो वो क्या होता, वो अपनी लाइफ को ही नहीं जी पाते, तो एटलीस्ट अपने वॉइस को उठाने के लिए उन्होंने काम किया। एक्शन उनका गलत हो सकता था, एक्शन उनका गलत है कि हाँ वो वायलेंट मीन पे आए, लेकिन उनको, उन्होंने अपनी हक की लड़ाई तो लड़ी। तो दोनों एंगल है, ठीक है, तो दोनों एंगल को समझते हुए चलेंगे, कभी भी एकदम जजमेंटल पास नहीं करेंगे, हम दोनों एंगल को समझ के चलेंगे। तो ये क्या था, फेसेस ऑफ नक्सलिज्म। तो चालू कहीं माओविज्म से हुआ था और वही माओविज्म को कुछ इस तरह से उसका विस्तार करते हैं, जिसको नक्सलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो समझ आया आपको कि फेसेस ऑफ नक्सलिज्म, कि नक्सलिज्म किस तरह से अपने आप को जमाते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको सिर्फ इवेंट्स बताऊंगा कि बिहार, छत्तीसगढ़ कैसे आपका आगे बढ़ रहा है, सब जगह ऐसे ही किया गया होगा, जो भी ग्रुपिंग्स बनी उन ग्रुप्स ने क्या किया, कुछ इसी तरह से अपने आप को विस्तार किया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नक्सलिज्म इन इंडिया, उसका इवोल्यूशन को देखते हैं और नक्सलवाद को समझते हैं, भारत में कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ और भारत में किस किस तरह से उन्होंने क्या किया है, अपने आप को स्ट्रांग किया, ठीक है। सो एवोल्यूशन ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया, ठीक है। और इंडिया में ये नक्सलिज्म को अगर देखेंगे तो ये जिस क्षेत्र में अभी फैला हुआ है पूरा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेड कॉरिडोर। तो इस एवोल्यूशन को समझेंगे फ्रॉम नक्सलबाड़ी, ठीक है, नक्सलबाड़ी से देखते हुए हम लोग चलेंगे आज का वर्तमान जो क्या है, रेड कॉरिडोर तक को समझेंगे, नक्सलिज्म टिल प्रेजेंट आपका क्या है, रेड कॉरिडोर, ठीक है, रेड कॉरिडोर बोल सकते हैं। और एक और चीज़ है कि नक्सलिज्म सिर्फ भारत पे नहीं, भारत से अगर जस्ट टच देखेंगे तो कहाँ पर आपका, नेपाल, और इंडिया में अगर देखेंगे तो कहाँ पर, नीचे आपका तमिलनाडु तक आपका विस्तृत दिख रहा है, और मेनली तो आपका आंध्र प्रदेश तक तो था ही था, ठीक है। तो नक्सलिज्म को एक ये भी बोला जाता है कि नक्सलिज्म अगर इंडिया इन सराउंडिंग रीजन में देखेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो नक्सलिज्म इज स्प्रेड फ्रॉम द रीजन ऑफ पशुपति टू तिरुपति। नक्सली कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, पशुपति से तिरुपति तक, नेपाल से लेकर पूरा आपका तिरुपति तक, ये पूरा का पूरा नक्सलिज्म का एक कॉरिडोर सा बन गया है, ठीक है। और यही कॉरिडोर का कुछ पार्ट को हम बोलते हैं रेड कॉरिडोर। तो नक्सलिज्म को समझने के लिए हम बात करते हैं इंडिया का, ईस्टर्न इंडिया को बनाकर देखते हैं। देखो तो अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो कुछ इस तरह से भारत का ईस्टर्न मैप बनेगा, क्लियर है। बात करते हैं नक्सलिज्म का इवेंट को समझते हैं और नक्सलिज्म किस तरह से भारत में इसका विस्तार हुआ। तो इंडिया में इसको हम लोग तीन फेज में देखते हैं। पहला फेज कहां से कहां तक था, 1967 से 1975। अगला फेज कहां से कहां तक होगा, 1975 से लेकर 2003। उसके बाद हम देखेंगे 2004 से लेकर प्रेजेंट तक, अभी तक जो चल रहा है, और फ्यूचर में किस तरफ इसका फैक्टर देखने को मिल रहा है उसको भी देखते हैं कि फ्यूचर इसका डेवलपमेंट किधर होगा, ठीक है। तो नक्सलिज्म को हम लोग कुछ इस तरह से समझेंगे। चलिए तो सबसे पहले अगर बात करें फेज वन, अगर 1967 तो ये आपका क्या है, ये आपका बंगाल का रीजन, ठीक है, और यहीं पर आपका क्या आता है, दार्जिलिंग। और ये दार्जिलिंग के क्षेत्र पे यहाँ पर तीन पुलिस चौकी आती थी, थ्री पुलिस स्टेशन, नेम आपका नक्सलवाड़ी, सॉरी आपका यहाँ पर थोड़ा लाइट ने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, इसको हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।